हेलो एवरीवन, एक बच्चे में कैसे बदलाव आता है, कुछ इसी तरह की कहानी हम आपको आज इस वीडियो के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं। मेरे सामने बैठी हुई हैं 6 JPSC में चयनित निशु कुमारी, जिनका कि चयन हुआ है झारखंड शिक्षा सेवा के लिए। और बदलाव की बात जो हम कर रहे थे वो इस रूप में कि इस बच्ची को पहली बार हम क्लास 9th में देखे थे। हम चाहेंगे कि निशु अपना परिचय खुद अपने तरीके से दें, और सिविल सेवा में आप कैसे हैं निशु, ये भी आप बताने का काम करें। जी बिल्कुल सर। सबसे पहले सभी को जोहार। मेरा नाम निशु कुमारी है, मैं जिला शिक्षा अधीक्षक जमशेदपुर के पद पर प्रस्थापित हूँ। और मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि विश्व भारती संस्थान मेरे लिए संस्थान नहीं, एक परिवार है जिससे मैं 9th क्लास से जुड़ी हुई हूँ। एक्चुअली 9th क्लास में जब मैं थी तब मेरे भैया 3rd JPSC की क्लास कर रहे थे, और वो 3rd JPSC में DSP में चयनित हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि उस टाइम से जो मेरे भाई ने और मेरे पास में जो अभी मेरे अनिल सर हैं, भाई हैं मेरे, ये दोनों भाई की तरफ से जो मोटिवेशन मुझे मिला है वो कहीं ना कहीं बहुत ही सपोर्ट रहा है, बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है मेरे JPSC के सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन में, और फाइनली मेरा सिलेक्शन हो पाया है। तो सर अगेन थैंक यू सर उसके लिए। एक्चुअली निशु की बात करें तो इसको कभी हम अपने स्टूडेंट की नज़र से देखे ही नहीं, क्योंकि जब 9th में देखे थे तो उस समय ये बिल्कुल रॉ थी। बाद में इसने इंजीनियरिंग किया BIT सिंधी से, जैसा कि इन्होंने बताया, और फिर इस तरफ मोल्ड हुई। तो हम इस बच्ची को बढ़ते देखे हैं और इसमें होने वाले तमाम प्रकार के बदलावों को देखे हैं। कैसा रहा है आपका अब तक का जर्नी निशु, आप कुछ बताएं। तो सर जर्नी बहुत ही अच्छी थी। सर मैं जब सेकेंड ईयर थी में थी BTech में, तब मेरे भाई का चयन हुआ था, और मेरे भाई ने यही कहा था कि जब मैं कर सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकती। और तब तक क्योंकि एक्चुअली मेरे मन में भी था सिविल सर्विसेज, लेकिन वो एक बूस्टअप चाहिए होता है आपको, कि आपको एक ट्रिगर पॉइंट है कि आपको कोई मोटिवेट करे कि नहीं यू कैन डू इट। सो दैट वॉज माई ट्रिगर पॉइंट, और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तब तक मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे सिविल सर्विसेज में आना ही आना है, और फिर मैंने BTech करने के बाद सर इसमें तैयारी अपनी स्टार्ट कर दी। अच्छा निशु, यहाँ पर एक बात और, अभी हम प्रायः देखते हैं कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट हैं उनका रुझान सिविल सर्विसेज की ओर होता है, हालांकि उनको शुरुआत में थोड़ा परेशानी जो होता है। अगर आप अपने बैच से भी याद करें तो कई सारे आपके जो साथी थे वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ही थे। तो अगर इस बैकग्राउंड से कोई स्टूडेंट आता है तो उसको दिमाग में क्या रखना चाहिए, और उनको अपने तैयारी के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आप बेहतर बता सकती हैं, चूंकि तो आपका बैकग्राउंड वो है। सो सर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में एक प्लस पॉइंट हमारा होता है कि हम लोग टेक्निकल स्टूडेंट्स होते हैं, हर एक चीज़ को टेक्निकल वे में अप्रोच रखते हैं किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। तो एक वो एडवांटेज भी होता है। सेकंड डिसएडवांटेज बोलते हैं लोग कि हम लोग थोड़े आर्ट्स बैकग्राउंड वाले सब्जेक्ट्स, जैसे ज्योग्राफी हो गया या फिर लिटरेचर हो गया, जी सर, तो वैसे सब्जेक्ट्स में हम लोग कमज़ोर होते हैं ऐसा मानना होता है। लेकिन वैसा कुछ नहीं है, जो कि सिविल सर्विसेज में एक्चुअली जितने भी सिलेबस होते हैं वो अप टू 10th और एट मैक्स 12th के रहते हैं, तो उतना हम सब ने पढ़ा होता है, तो सर दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। मतलब कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के विद्यार्थियों को इतिहास भूगोल लेकर के बहुत परेशान होने की आवश्यकता सर, दैट्स एन एडवांटेज। ओके वेरी गुड। अच्छा निशु, अब ये बताइए कि चूंकि जो झारखंड का सिलेबस ये बहुत बड़ा सिलेबस है, और प्रायः लोग कहते हैं कि इसका सिलेबस इतना बड़ा है कि इतना अगर तैयार करें तो सिविल सर्विसेज हो जाए, आप सिलेबस को कैसे देखती हैं, और क्या आप बताना चाहेंगी अब के दौर के विद्यार्थियों को जो आगामी JPSC के परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, उनको आप क्या इंस्ट्रक्शन देना चाहेंगी? सो अगेन माय वे वाज लिटिल बिट टेक्निकल। तो सर मैंने सबसे पहले अपने तैयारी में सिलेबस को देखा था। वो एक 20-30 रुपए की पतली सी किताब होती है सिलेबस की, उसको मैंने गो थ्रू किया, एंड फिर रियलाइज़ किया कि देयर आर टू मेन थिंग्स, कि एक आपका GS पोर्शन है, सेकंड इज झारखंड। झारखंड से आपके 120 क्वेश्चंस थे PT में, एंड देन रेस्ट इज 80 क्वेश्चन वो GS। ओके सर, तो मैक्सिमम झारखंड के क्वेश्चंस थे सर। तो झारखंड अगर हम लोग कमांड कर लेंगे तो ऑलरेडी PT में बहुत अच्छे स्कोर आते हैं। झारखंड में रहने के कारण थोड़ा सा एग्जैक्टली सर, झारखंड में रह के झारखंड सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स के लिए अगर आप झारखंड में पढ़े तो फिर आपका कमांड वो उसमें होना ही जरूरी है। बिल्कुल जी सर। देन अगेन सर जितने सिलेबस थे, साइंस को ले लीजिए तो बेसिक ही थे पोर्शन, जितने भी फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, सब में बेसिक्स थे।
तो वो हर एक टॉपिक्स को आपको टच करना ज़रूरी है, उसमें नोट्स बनाने आपके ज़रूरी है, उसके लिए फिर आपको क्लास करना ज़रूरी है। सो अगेन अच्छा निशु, यस सिविल सर्विसेज में जो मॉक टेस्ट होते हैं इसका क्या रोल होता है? आप तो बहुत मॉक टेस्ट दिए हैं प्रीलिम्स के लिए, एंट्रेंस के लिए, यस सर। आप क्या फील करती हैं इन तैयारियों के दौरान मॉक टेस्ट के रूप में? आई बिलीव सर कि मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मॉक टेस्ट ऐसा था सर कि टेस्ट कभी भी हो उसे घबराना नहीं चाहिए। बिल्कुल वो बिल्कुल आपका एक चेक करने का जरिया होता है कि आपने कितनी तैयारी कर रखी है। एक इनफैक्ट मैं तो मॉक्स जितने हो सकते थे उतने दिया है मैंने मॉक्स। लेकिन हमारा एक ग्रुप था, उसमें भी रैंडमली हम लोग एक जो होता था आंसर देने वाला और तीन चार लोग हम लोग क्वेश्चन करने वाले, तो वो भी हमारा एक मॉक टेस्ट हो जाता था। बिल्कुल, एक अच्छी ग्रुप का सिविल सर्विसेज में बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, आइसोलेशन में कहते हैं कि सिविल सर्विसेज नहीं निकलता है। मैं निशु के बैच की बात करूं अगर, तो इसके बैच के बहुत सारे इसके जो आसपास के सब दोस्त लोग थे, सब लोग एक साथ क्वालिफाई किए। अविनाश की बात करें, वो भी टेक्निकल बैकग्राउंड से था। संजीत की बात करें, सीमा की बात करें, दीपाली की बात करें, ये तमाम लोग आपके ग्रुप के थे और आप सब लोग एक साथ मतलब क्वालिफाई किए हैं। तो अच्छा ग्रुप का तो बहुत बड़ा रोल होता है। डेफिनेटली इस ग्रुप को आप कैसे डिफाइन करती हैं अपने साथियों के साथ, आप बताना चाहें तो? सर। ग्रुप एक्चुअली हमारा ग्रुप ऐसा नहीं बोलना चाहूंगी कि ग्रुप बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मतलब अगर नहीं आपसे बन पा रहे तो कोई बात नहीं, सेल्फ स्टडी इज मोर इम्पोर्टेंट आई गेस। लेकिन अगर वो एक ग्रुप मिल जाता है ऑर्गेनिक वे में, दोस्ती हो जाती है और अच्छे लोग मिल जाते हैं पढ़ने के लिए, तो वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम हो जाता है कि इन केस आपके घर पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, सपोज कोई फैमिली प्रॉब्लम ही है, आप कॉन्सेंट्रेट करके नहीं पढ़ पा रहे हो सर उस टाइम, तो उस टाइम में भी वो जो फ्रेंड सर्कल है होता है वो आपको बहुत मोटिवेट करता है कि नहीं तुम कहीं पीछे छूट जा रही हो तो तुमको बिल्कुल, वो कोप अप करना है। मतलब उस तभी करने का काम करता है अफकोर्स अच्छा ग्रुप। सर। आप अपनी सफलता को लेकर के आज कितना खुश हैं, पहले तो ये बताइए आप। तो बहुत खुश, कैसा लग रहा है काम करते वक्त? बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे कि मैं शिक्षा सेवा में हूँ तो बच्चों के बीच में एक छोटी सी भी खुशी देखती हूँ, अगर मैं चली जाऊँ वहाँ पे इंस्पेक्शन करने के लिए, थोड़ा सा भी इनसे क्वेश्चन कर लूँ, भले वो जवाब दे पाए या नहीं दे पाए, लेकिन अगर मैं जो उनको समझाती हूँ तो उनके मन में जो खुशी मिलती है, उनके चेहरे पर जो खुशी मिलती है, वो एक्चुअली मेरे लिए बहुत बड़ा खुशी निशी, एक है। बात हम व्यक्तिगत तौर यस पर पूछना चाहेंगे। हम ये देखते हैं प्रायः कि क्लासरूम में बच्चे जो होते हैं वो बहुत सीरियस होते हैं, बहुत बोझिल सा माहौल बना करके, जैसे जैसे एग्जाम आता है, यस सर। ये क्या इतना बोझ डालना खुद के ऊपर सही है? जबकि हम हमेशा कहते हैं कि आप लोग पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करो और बाकी टाइम में मस्ती करो, इंजॉय करो। ठीक है, आप इसको कैसे देखती हैं, आप ये प्रेशर को कैसे हैंडल करती थी? नो डाउट प्रेशर आता है, क्योंकि हम लोग जॉब के लिए स्पेसिफिकली पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो एक प्रेशर रहता है कि हमें जॉब करनी है, जल्दी से जॉब पकड़नी है, पैसे कमाने हैं, जो भी मोटिवेशन हो, अल्टीमेट एम जो भी हो आपका, वो प्रेशर तो रहता है। लेकिन एट द सेम टाइम आपको अपनी सैनिटी बनाए रखनी है। उसके लिए सर मेरी हॉबी थी पेंटिंग, डांसिंग, तो डांसिंग तो नॉट ऑलवेज बट पेंटिंग ऑलवेज, वो पेंट ब्रश लेके कुछ भी बना देना आपका पेंटिंग तो सर। ऐसे ही बहुत खूबसूरत होता है। थैंक यू आपका सो एक मच पेंटिंग तो सर। मेरे पूजा घर में लगा होगा, आपको पता है ये बात। जी सर। तो दोस्तों, निशु जो कि फर्स्ट टाइम में आपका था ना, ये यस सर। फर्स्ट टाइम में इन्होंने जेपीएससी को क्रैक किया था, और इस इंटरव्यू को बहुत लंबा हम नहीं करेंगे क्योंकि अभी ये जमशेदपुर से आई हैं। ठीक है, और वापस इनको शायद लौटना भी है आज ही की तारीख में। और ऐसी स्थिति में हम सिर्फ इतना चाहेंगे कि एक बार निशु, जो नए बच्चे हैं जो आगामी जेपीएससी के परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, उनको कुछ मैसेज दे दें, उनको किस तरीके से इस समय, अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, क्या कुछ उनको करना चाहिए, ये मैसेज आप दे दें एक बार। तो सर सभी का मंत्रा अलग अलग होता है, मेथड अलग अलग होते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए, तो मैं यही बोलूँगी क्योंकि अभी नोटिफिकेशन भी आउट नहीं हुआ है, तो सेल्फ स्टडी पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, नोट्स मेकिंग, जिससे कि आपकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों की ही तैयारी हो जाएगी साथ साथ में, तो वो ज़रूर करें। आप मैक्सिमम बुक्स पढ़ें, दैट टू ऑथेंटिक बुक्स लाइक बिल्कुल एनसीईआरटीज, तो बिल्कुल, एनसीईआरटीज पढ़िए, उसमें जो क्वालिटी मिलेगा वो किसी और बुक्स में नहीं मिलेगा। आपकी आंसर से एक बात मुझे निश्चित और आया, मैं चाहूंगा कि पूछ लूँ आपसे।
प्रायः देखते हैं कि बच्चे जो है सिविल सर्विस को अलग अलग पॉकेट में देखते हैं। ये प्लेन्स है तो प्लेन्स पढ़ना है, ये मेंस है तो मेंस देखना है, इंटरव्यू है तो फिर इंटरव्यू देखना है। आप इसको कैसे देखती हैं, क्या होना चाहिए सही रणनीति, क्या मेंस पहले किया जाना चाहिए या प्लेन्स को अलग करना चाहिए, आप क्या बोलना चाहेंगे इस पर? सर महल जो है वो एक दिन में खड़ा नहीं होता है, तो आपको कुछ बहुत अच्छा अचीव करना है तो उसके लिए पहले दिन से मेहनत करनी पड़ेगी। प्रीलिम्स हो या मेंस, आपको साथ में ही तैयारी करनी है। यू नो ऑल ऑफ अ सडन आपको 10 दिन में इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए तो आप उतनी अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप प्रीलिम्स से ही आप माइंड मेकअप करके रखेंगे कि आपको इंटरव्यू देना है, उसी अप्रोच से आप पढ़ाई करेंगे तो आप डेफिनेटली उस जगह पर ज़रूर पहुँचेंगे एक ना एक दिन। थैंक यू निशी, बहुत सारी बातें आपने बताई। और चूंकि आप इस नई व्यवस्था से जुड़ी हुई हैं, जेपीएससी के सिलेबस को आप अच्छी तरीके से जानती हैं, तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। हम ये उम्मीद करेंगे कि आपके माध्यम से झारखंड के शिक्षा में बदलाव आएगा, क्योंकि जो रोल आपको मिला है आप उसको बखूबी अंजाम दे रही हैं, ये पता है हमको। और बेहतर कीजिए, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू निशी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।